केंद्र की भाजपा व दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कृष्णा कमेटी व जिला आदर्श नगर कमेटी की ओर से आक्रोश प्रदर्शन किया गया। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग स्थित वित्रीएस मॉल के पास प्रदर्शन के दौरान दोनों सरकारों की नाकामियों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, अरविंद सिंह लवली, पूर्व विधायक नसीब सिंह, गुरुचरण सिंह राजू, रमेश पंडित, जुगल अरोड़ा, पंकज लूथरा व पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा है कि भाजपा सरकार की गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी व कृषि संकट, गलत व्यापार नीतियों से आम जनता को जागरूक कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर सीधा हमला करते हुए चोपड़ा ने कहा है कि पिछले 16 सालों में निजी निवेश सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आइए सुनते हैं सुभाष चोपड़ा ने केंद्र सरकार को लेकर और क्या कुछ कहा। जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आक्रोश कर रहे हैं। तो क्या अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है, इसके ऊपर क्या करना चाहेंगे और क्या कांग्रेस का मोटिव है? जब से सत्ता में आए तब से भाजपा ने देश का, अभी टीवी वाले उनसे बात कर रहे हैं, 8 से ज़्यादा होती थी, आज 4.7 रह गए। तो इस तरह की अगर आज बेरोजगारी 45 सालों में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी नहीं हुई जितनी आज है, तो ये सारी की सारी का अगर किसी चीज़ का कोई जिम्मेवार है तो वो भाजपा है। तो हम उसके बारे में कृषि उद्योग ले लीजिए, कोई उद्योग ले लीजिए, छोटे दुकानदार ले लीजिए, हर आदमी तड़प रहे हैं कि किस तरह से वो लोग अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। जब नौकरी नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उनका देश आगे कैसे बढ़ेगा? वहाँ एक तरफ अर्थव्यवस्था की बात है, वहीं बीजेपी सरकार अपनी हर जगह सरकार बनाने में कामयाब हो रही है, जैसा कि अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र में भी हुआ। तो इसका आप देखते हैं इस चीज़ को कि बीजेपी हो या कोई अगर पार्टी हो, कांग्रेस को किसी भी तरह से आगे नहीं आने की? देखिए, जो भी वह महाराष्ट्र में हो रहा है ये दर्शाता है कि किस तरह से बीजेपी अपने पैसे के दम पे लोगों को तोड़ के इतना धमका के सरकार बनाने में लगी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लंबे ये ज़्यादा देर टिकेगी नहीं सरकार, ये सिर्फ ये है कि उनको रोकने के लिए कि कहीं दूसरी पार्टी सरकार ना बनाए, शिवसेना है ये और मैं समझता हूँ कि उसके सारे ड्रामे हो रहे हैं जबकि मेजोरिटी उनके पास नहीं है। किस तरह के आप मुद्दे उठा रहे हैं, क्या देखते हैं आने वाले चुनावों में, दिल्ली की गवर्नमेंट में क्या बदलाव ला सकते हैं? दिल्ली में तो लोग इतने दुखी हैं, दोनों बता दिए हैं आप, एक टीवी पर और एक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एक कहता था कि मैं 15 लाख रुपया जो खातों में दे रहा हूँ, दूसरा ये कहता था कि मैं कोई सरकारी आवास नहीं दूँगा, मैं कोई स्पोर्ट नहीं दूँगा। आज क्या दशा है, बेस्ट ऑफ द हाउसिंग, तो आज दिन पीपल देवर इनका कहने और करने में बहुत फर्क है, सकने और करने में इन लोगों का इतना फर्क है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। तो ये जो दिल्ली की दुर्दशा हुई है इसका अगर कुछ जिम्मेवार है तो उसके लिए केजरीवाल जिम्मेवार है। ठीक, वहीं अरविंदर सिंह लवली ने प्रदर्शन को लेकर कहा है कि पार्टी का कहना है देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, खासकर दिल्ली के लोगों को काफी परेशानियां हुई हैं, राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी का भय बना हुआ है, गरीब लोग पलायन कर रहे हैं और किसी भी तरह का रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आइए सुनते हैं अरविंदर सिंह लवली ने और क्या कहा। आज जो प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में, देखिए जैसा सुभाष जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और दिल्ली जो कि ट्रेडिंग सेंटर है, खास करके दिल्ली के लोग सबसे ज़्यादा जो है पीड़ित है, तो उन लोगों की आवाज़ हम उठा रहे हैं। आज इनकम टैक्स, ईडी छोटे छोटे बिजनेसमैन को तंग कर रही है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को हेल्प करने के चक्कर में इन्होंने मध्यम वर्ग भारतीय उद्योग को खत्म कर दिया, रहायशी इलाकों में सेलिंग चल रही है, मंत्री रहे हैं हमारे टाइम में, दिल्ली की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ी है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आज का नेता है। और उन्होंने कहा नोटबंदी भी कानून जो कानून लोगों की मदद के लिए आता है, लेकिन ये ऐसे कानून ला रहे हैं जो लोगों के को पूरी तरीके से तोड़ दिया। ठीक,